नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा की कंप्लीट डिटेल कि यहाँ पर कौन कौन से स्थान हैं घूमने के, यहाँ कैसे पहुँचें और कौन से मौसम में यहाँ पे घूमना बेस्ट रहता है। ये हिल स्टेशन गुजरात के सह्याद्री पर्वतमाला की खूबसूरत वादियों में स्थित है और ये गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन 873 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, जिस कारण गर्मियों में भी यहाँ का मौसम सुहाना ही रहता है। यहाँ पर आसपास कई सारे प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं जो पर्यटकों को पसंद आते हैं। वैसे सापुतारा का अर्थ होता है सांपों का घर। यहाँ आसपास काफ़ी सांप पाए जाते हैं और यहाँ आसपास के आदिवासी लोग सांपों की पूजा भी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यहाँ के प्रमुख स्थलों को। इसमें पहले नंबर पर आता है सापुतारा लेक। सापुतारा हिल स्टेशन की सबसे फेमस जगह है सापुतारा लेक, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ये झील पर्यटकों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके अलावा लेक के पास ही बहुत ही शांत और खूबसूरत बाग है, जहाँ कुछ टाइम शांति में बिता सकते हैं। इसमें कई तरह के पेड़ भी हैं और कुछ खास पक्षी भी। इसके बाद अगले स्थान पर आता है आर्टिस्ट विलेज। सापुतारा झील के पास ही एक बेहद ही रोमांचक और अनूठा गांव है, कलाकार गांव। यहां आप बांस और पारंपरिक कपड़ों से बनी कई सुंदर कलाकृतियों को देख सकते हैं। यहां आदिवासियों की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। ये गांव भी पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सापुतारा म्यूजियम। सापुतारा का ये म्यूजियम यहाँ के जनजाति लोगों की जीवन शैली को दिखाता है। यहाँ पर डांग जनजाति के जीवन से संबंधित कई चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे कि वेशभूषा, विरासत और जीवन शैली। इसके अलावा डांग जनजाति के नृत्य, वाद्य यंत्र, मुखौटे और इस्तेमाल की जाने वाली कई चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। गांव की जीवन शैली को देखने के लिए ये एक अच्छी जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है वसंदा नेशनल पार्क। सापुतारा का ये नेशनल पार्क 24 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये पहले वसंदा महाराज के निजी जंगल हुआ करते थे। यहाँ पर पर्यटक शेर, चीते, सांप, अजगर, पैगोलिन और बड़े आकार की गिलहरी देख सकते हैं। जिन्हें जंगली जानवर और प्राकृतिक नज़ारे देखने का शौक है, वो यहाँ पर जरूर जाएं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गिर्रा फॉल्स। सापुतारा से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गिर्रा फॉल्स, जो कि वाघई में पड़ता है। ये झरना प्राकृतिक रूप से बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ झरने की आवाज़ और अद्भुत नज़ारे सभी को पसंद आते हैं। ये जगह फोटोग्राफी और दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बेहतरीन जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सनराइज एंड सनसेट पॉइंट। सापुतारा में माले गांव के पास ही एक बेहद ही सुंदर जगह है सनराइज व्यू पॉइंट, या जिसे वैली व्यू पॉइंट भी कहते हैं। ये जगह सनराइज और सनसेट देखने के लिए बेस्ट है। यहाँ से सनराइज और सनसेट के नज़ारे बहुत ही शानदार दिखाई देते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं कि यहाँ घूमने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो सापुतारा में आप साल भर में कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी। इस कारण यहाँ आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी के दौरान ही आते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ तक आप पहुँच कैसे सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए हवाई मार्ग से, तो यहाँ का जो सबसे निकटतम एयरपोर्ट है वो है सूरत एयरपोर्ट, जो कि सापुतारा से 156 किलोमीटर दूर है। तो इसके लिए सबसे निकटतम एयरपोर्ट है सूरत एयरपोर्ट। यहाँ से फिर आप बस या टैक्सी लेके पहुँच सकते हैं सापुतारा में। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, तो ट्रेन का जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है वाघई रेलवे स्टेशन, जो कि सापुतारा से 50 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बस से आना चाहते हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट बस चलती हैं, आप उनसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से आप घूम सकते हैं इस खूबसूरत और गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा में। आशा करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।